हाथरस केस को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। याचिका में हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जांच की निगरानी और मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट करे जांच की निगरानी, कोई समस्या हुई तो हम हैं। बाकीपुर सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा लड़ेंगे चुनाव, पुष्पम प्रिया से होगा मुकाबला। कायस बहुल सीट मानी जाती है बिहार की बाकीपुर सीट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के रोहतास में एक चुनावी सभा को किया संबोधित। विपक्ष पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि राजनीति में भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन गरीब जनता की सेवा वो ही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। राजनीति में भाषण देना बड़ा आसान होता है, नारे लगाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन गरीब जनता की सेवा करना ये वही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। ये ध्यान में रखना चाहिए, ये समझना, ये वही कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मनिर्भर पैकेज जिसमें से हमने सपना देखा है कि अब हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। क्या है ये आत्मनिर्भर पैकेज? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, 3 लाख करोड़ रुपए छोटे उद्योगों के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए किसान के लिए। किसान सड़क बनाए, किसान स्टोरेज बनाए, किसान कोल्ड स्टोरेज बनाए, किसान मंडी बनाए, किसान रास्ते के लिए खर्च करे ताकि उसका पैसा, उसका सामान सीधे मंडी में जा सके बिना किसी विघ्न के। किसान कंप्यूटर खरीद, किसान बाजार बनाए, और किसान के इस रिफॉर्म से, इस परिवर्तन से आज किसान को जरूरी नहीं है कि वो किसी मंडी का गुलाम बने। घर बैठे वो जान सकता है कि दुनिया के किस बाजार में उसके क्या दाम मिल रहा है, और वो सीधा अपना सामान उसको बेच सकता है और बाजार पहुंचा सकता है। ये किसान को आजादी। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग हमारे खिलाफ बोलकर अपना प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को किया संबोधित। और कुछ लोग हैं जिनको कोई काम करने का न अनुभव है, न काम कैसे किया जाता उसकी जानकारी है, न समाज में एकजुटता रखे इसके बारे में कोई लोगों का विचार है, लेकिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हमारे खिलाफ बोल बोल करके लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। भाई बोलो, मेरे खिलाफ बोलते रहो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं। शुरू से लोग बोलते रहता, हमको मालूम है मेरे खिलाफ तो कुछ लोग नाराज है ना, और नाराज इसलिए है कि हम समाज सुधार का भी काम करते हैं, और बिहार में महिलाओं की मांग पर नशाबंदी लागू करने की बात हुई तो कुछ आदमी तो गड़बड़ है, इधर से उधर बायां दायां तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे। भाई हमको मालूम है, हमको लगता है कि जाओ जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना, और मैंने बता दिया है मेरा तो आपकी सेवा करना ही धर्म है, और जब तक ये अवसर दीजिएगा काम करते रहेंगे और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि अब से लोग रेड लाइट पर अपनी गाड़ी ऑफ कर दिया करें। कश्मीर घाटी में बढ़ने लगी है राजनीतिक हलचल। श्रीनगर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के घर हुई गुपकार बैठक, महबूबा मुफ्ती भी हुई शामिल। भारत में 73 लाख से अधिक हुए कोरोना वायरस के मामले, पिछले 24 घंटे में आए 67,708 नए मामले, 680 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर केंद्र सरकार, गूगल, अमेजॉन और फेसबुक को भेजा नोटिस। अदालत ने यूपीआई पर किए गए लेन देन के डेटा को सुरक्षित रखने की भी मांग की है।
करीब 20 दिनों के बाद शेयर बाजार में आई आज जबरदस्त गिरावट। निवेशकों को करीब 3,00,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। सेंसेक्स निफ्टी भी धड़ाम। विवेक ओबराय के घर पर बेंगलुरु पुलिस की छापेमारी। साले आदित्य अलवा के मामले में की गई छापेमारी। सैंडलवुड ड्रग रैकेट से जुड़ा है आदित्य अलवा का नाम। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।